अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आपको मैं 15 बता रहा हूँ। इससे पहले हमने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 को बताया था, तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा वो पुराने वीडियो को देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शेयर करें, लाइक कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अब आगे क्वेश्चन है, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a + 6i, और इसका आंसर क्या होगा ये हमें सॉल्व करना। तो सबसे पहले देखो, ए गिवन है, तो हम पहले यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए, और ये आपका बन जाएगा, यहाँ है 201, 213, 1 - 1 और 0, और फिर ये आपका आएगा 201, 213, 1 - 1 और 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 × 2 + 0 × 2 + 1 × 1, फिर हो जाएगा 2 × 0 + 0 × 1 + 1 × -1, फिर आगे आपका आ जाएगा 2 × 1 + 0 × 3 + 1 × 0, ठीक है। अब दूसरा, पहला रो तीनों कॉलम हो गए, अब सेकंड रो तीनों कॉलम में करना है, तो 2 × 2 + 1 × 2 + 3 × 1, 2 × 0 + 1 × 1 + 3 × -1, फिर 2 × 1 + 1 × 3 + 3 × 0, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से आएगा तो 1 × 2 + -1 × 2 + 0 × 1, 1 × 0 + -1 × 1 + 0 × -1, ठीक है। फिर आएगा 1 × 1 + -1 × 3 + 0 × 0, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, 2 × 2 = 4 + 0 + 1, 4 + 2 + 3, 2 - 2 + 0, 2 ये हो गया 0 + 0 - 1, 0 + 1 - 3, 0 - 1 + 0, तो 2 + 0 + 0, 2 + 3 + 0, 1 - 3 + 0, और ये आपका बन जाएगा 415 - 1, 2, ये हो गया 9 - 2, 5, 0 - 1 - 2, आगे अब हमें 5 पे लेना है, तो 5 पे का मतलब हो गया 5, ये हो गया 201, 213 और 1 - 1 और 0, और ये आपका जब बनेगा तो ये हो जाएगा 10, 0, 5, 10, 5, 15 और 5 - 5, और ये 0, ये तो हो गया 5 है। और 6i का मतलब, i का मतलब आइडेंटिकल होता है, 1 1 1 0 0 0 1 0, तो ये हो जाएगा 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका है आइडेंटिकल, ठीक है। और इसके बाद ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6 6, ठीक है। और अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नाउ
ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है फाइव माइनस वन टू, नाइन माइनस टू और फाइव, ये आपकी वैल्यू सामने दिख रही है, जीरो माइनस वन और माइनस टू। बच्चों ये तो हो गया आपका ए स्क्वायर की वैल्यू। अब फाइव ए ये आपके सामने है तो माइनस टेन जीरो फाइव टेन फाइव फिफ्टीन और ये हो गया फाइव माइनस फाइव और जीरो, प्लस सिक्स आई की वैल्यू क्या निकली है यहाँ पे देख रहे हैं, सिक्स जीरो 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 सिक्स जीरो 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 सिक्स। और क्या करना है अब इसको आप हिसाब से इसको सब्ट्रैक्ट आप सॉल्व कर लें इसे, तो देखिए ये हो गया फाइव माइनस टेन प्लस सिक्स, ये हो गया माइनस वन माइनस जीरो प्लस जीरो, ये हो गया टू माइनस फाइव प्लस जीरो, इसका इसका हो गया। अब यहाँ से दे दो तो नाइन माइनस टेन प्लस जीरो माइनस टू प्लस फाइव प्लस सिक्स, हो गया फाइव माइनस फिफ्टीन प्लस जीरो, हो गया जीरो माइनस फाइव प्लस जीरो माइनस एक माइनस माइनस प्लस फाइव प्लस जीरो, ये हो जाएगा माइनस टू प्लस जीरो प्लस सिक्स, ठीक है। और इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो छः पाँच ग्यारह, ग्यारह में से दस निकल गया, ऐसे लिख सकते हो ग्यारह माइनस दस नौ माइनस दस जीरो माइनस पाँच माइनस एक प्लस जीरो माइनस दो प्लस ग्यारह माइनस एक प्लस पाँच दो माइनस पाँच पाँच माइनस पंद्रह माइनस दो प्लस छः, जीरो को हमने छोड़ दिया और ये आपका बन जाएगा ग्यारह में से दस गया एक, ये हो गया माइनस एक और ये हो गया माइनस तीन, ये हो गया माइनस एक, ये हो गया नौ, ये हो गया माइनस दस, ये हो गया माइनस पाँच, ये हो गया चार, ये हो गया चार, तो ये आपका आंसर आ गया। बच्चों इसको ध्यान से करना है, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।